देखी ऐसी जन्नत न देखी और कहीं, तेरी खाटू नगरी है दुनिया से हंसी। क्यों हंसी है? उंगली पकड़ के ले आया मुझे खाटू नगरी, ओ उंगली पकड़ के ले आया मुझे खाटू नगरी, घुमाया मुझे श्याम, ओ मेरे श्याम मैं तेरा लाडला, श्याम ओ मेरे श्याम मैं तेरी लाडली। सच्चाई है ना बातों में, खुद को नहीं पता था। ग्यारस के तीर दर्शन करके बारस को घर जाता हूं, तेरस को रात को 12 बजे मात्र 5 मिनट में इस भजन की रचना होती है, जो कि लिखने का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था प्रेमियों, लेकिन ठाकुर की ऐसी कृपा हुई कि 15-16 भजन लिखवा दिए, आज चल रहे हैं। सुनिएगा हर कोई। उंगली पकड़ के ले आया मुझे खाटू नगरी, घुमाया मुझे, बोल। उंगली पकड़ के ले आया मुझे खाटू नगरी, घुमाया मुझे, ऐसे नहीं। उंगली पकड़ के ले आया मुझे खाटू नगरी, घुमाया मुझे, ले आया मुझे ओ खाटू नगरी, घुमाया मुझे श्याम ओ मेरे श्याम मैं तेरा लाडला, श्याम ओ मेरे श्याम मैं तेरा लाडला। कौन कौन लाडले हैं बाबा के और लाडलियां, ताली बजाते हुए मिलता है, जरा ताली बजाओ प्यार से। सौरभ भैया चमत्कार पे चमत्कार करता है। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ते में रवि पेरीवाल भैया जी ने इस भजन को गाया और आप कोरस कर रहे थे, मैं देख रहा था। और मैं उस दिन सोच रहा था कि कभी सौरभ भैया के सामने इस भजन को गाने का मौका मिले। आज देखो ये देखी ऐसी जन्नत ना देखी और कहीं, तेरी खाटू नगरी है दुनिया से हसी। देखी ऐसी जन्नत ना देखी और कहीं, ओ तेरी खाटू नगरी है दुनिया से हसी। रखना मुझे चरणों तले, पूजा करो तेरी, तेरे बिना तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे बाहों की गोद में पला, श्याम ओ मेरे श्याम मैं तेरा लाडला, बोलो श्याम ओ मेरे श्याम मैं तेरा लाडला। बजा दो ना दिल से ताली, एक दो तीन ये चार। बोलिए श्याम प्यारे की।
निशान कितने कितने लोग उठा कर आए हैं लिंगस। चलते चलते जब पैर थकने लगता है, जो मैंने देखा खाटू में आके वही बाबा ने लिखवाया। हार के जब राह में मैं थक गया तस्या, आके उसी पल तूने पकड़ा मेरा हाथ। बोलो। हार के जब राह में मैं थक गया तस्या, आके उसी पल तूने पकड़ा मेरा हाथ। हम जितने भी भजन प्रवाहक है ना जी, जितने भी भजन प्रवाहक हम थता है, ऐसा नहीं है कोई कहता है भैया वो लाख रुपए लेता है, वो 50,000 लेता है, वो 2,00,000 लेता है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे जो संघर्ष है वो नहीं दिखता जी। उसके पीछे जो संघर्ष है, जो संघर्ष करके 30 साल 25 साल 50 साल में वो उस काबिल बने हैं, तब उन्हें मिल रहा है, तब उन्हें मिल रहा है। और वो उस काबिल हैं, वो 5,00,000 नहीं, 10,00,000 नहीं, उनका कोई मोल ही नहीं है, जितना दे दो उतना कम है। इसीलिए ये कमेंटमेंट करना बंद कर दीजिए प्रेमियों, क्योंकि ये दरबार मेरे मालिक का है और यहां दिल से जुड़िए, केवल इसके लिए आइए, केवल इसके लिए। हार के जब राह में मैं थक गया तस्या, आके उसी पल तूने पकड़ा मेरा हाथ। हार के जब राह में मैं थक गया तस्या, उसी पल तूने पकड़ा मेरा हाथ। ऐसी दया किस भाव पे बाबा जो तूने किया, ऐसी खुशी दे दी मुझे अपना बना लिया। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा श्याम, ओ मेरे श्याम, मैं तेरा लाडला श्याम, ओ मेरे श्याम, मैं तेरा लाडला। और एक चमत्कार बता रहा हूं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह दे रहा हूं। लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले, मैं इस पावन भूमि, इस धर्मशाले में आया था, भैया को याद होगा। पहली बार भैया को मैंने वीडियो दिखाया लाडला, भैया देखते ही बोले शाम को आप 8 बजे यहां आ जाना संजीव जी। लेकिन ऐसा संजोग बना कि मैं आ ही नहीं पाया। वो दिन और आज का दिन, बाबा को कुछ अलग तरीके से बुलाना था, इसलिए उसने अलग तरीके से बुलाया। मैं जा कहीं और रहा था अभी, सच्चाई है, लेकिन खेतान जी कहां गए। उनका फोन आया, कह संजीव भैया कहां हैं। हमने कहा भैया निकल रहा हूं बस सेवा करने। कहा बस आप रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपको लेने, आप इधर आओ। और ये लाइन हम सभी के लिए, कैसे करूं शुक्रिया ये तो बता, किस जन्म का बाबा उपकार ये किया। कैसे करूं शुक्रिया ये तो बता, किस जन्म का बाबा उपकार ये किया। कैसे करूं शुक्रिया ये तो बता, किस जन्म का बाबा उपकार ये किया। कैसे करो शुक्रिया ये तो बता, किस जन्म का बाबा उपकार ये किया। और ऐसे ही उपकार नहीं किया, दुनिया मेरी बदलने लगी जो साथ तू मेरे। दुनिया मेरी बदलने लगी जो साथ तू मेरे। साथी कोई तुमसा नहीं संजीव ये कहे, साथी कोई तुमसा नहीं संजीव ये कहे। प्रेम ये तुम्हारा हो कभी न गम, ओ मेरे श्याम, मैं तेरा लाडला, ओ लाडले, ओ मेरे श्याम, मैं तेरा लाडला। कहां बैठे हैं हम लोग, खाटू में। इस भजन को कुछ होता है ना ऐसा, पर ये भजन
आप गाओ कितना भी, पर ये भजन आप जब गाओगे, कितने भी भजन प्रवाहक बैठे हैं यहाँ पर, उनका मन भराएगा, क्योंकि भजन प्रवाहक जो होता है वो कहाँ से कहाँ आता है, और जब वो विश्वास ये सुनता है कि बाबा मैं तेरा लाडला हूं, तो मेरे को यहाँ बिठा रखा है, तो उसका मन भर आता है, क्योंकि इसकी कृपा होती है तभी कोई यहाँ पर माइक पकड़ पाता, वरना नहीं पकड़ पाता है साहब। इसकी कृपा होती है तो ही खाटू आ पाता, और जिसको खाटू बुला लेता है एक